अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रहे हो? अरे अरे संध्या, संध्या संध्या क्या है बेटा, ये नीचे आओ। संध्या पागल हो गई हो क्या? ये क्या बचकाना हरकतें हैं? ये कोई बचकाना हरकत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, तो प्लीज आप लोग सब हट जाइए यहाँ से। रुको बेटा, इससे पहले क्या कुछ गलत कदम उठाया हमें ऊपर चलना होगा। रुक जाइए भाई, कोई ऊपर नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सब बहुत हो गया। अरे रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मर जाओ। अरे और ये किस्सा यही खत्म कर दो। नहीं बेटा नहीं, देख रही हो तुम उस लड़की को घर में लेकर आई हो और देखो क्या कांड हो गया। हमारी संध्या बहू अपना जान देने पे तुली है, अब तुम्हारी वो देवी उसको बचाएगी का है? बचा पाएगी का? बड़ी आई बातें बनाते हैं बस। ए संध्या बहू हमारी बात मानो, अपना ही पागलपन छोड़ दो, नीचे उतर आओ। हमें ना हम तुम्हारे कुछ गलत नहीं होने देंगे, नीचे उतरो। रुक जाओ, रुक देखो कह रही है ना बड़की संध्या, रुक जाओ रुक जाओ। संध्या तुम हमें माँ जी कहती हो ना, तो बेटा माँ की बात मान लो, नीचे आ जाओ। किसके लिए नीचे आ जाए माँ जी, अब देखने और सुनने को बचे ही क्या है? आप भी इस घर में हमारी दुश्मन की आरती उतार रही है। बेइज्जती के बाद आप ये चाहती है कि मैं इसी घर में रहूं, जिंदा रह के पल पल मरती रहूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप सब ये चाहते हैं ना, मैं कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाऊं, तो आपको मुझको घर से बाहर निकालना होगा। नहीं भगवान कसम, मैं अभी यहां से कूद के अपनी जान दे दूंगी। हर दीदी अब जल्दी से जाके चादर लाइए, जल्दी। हाँ मैं भी लेकर जाओ बेटा, जल्दी जाओ। रुको रुको बेटा, बड़ी माँ माँ ला 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 ला। अरे ये सब काम क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये चादर अभी नीचे रखिए, अगर इस तरह से नहीं तो मैं किसी और तरीके से मर जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे जिल्लत वाली जिंदगी अब और नहीं जी सकती। हट जाइए यहाँ से, हटिए सब लोग। हट, नहीं बेटा ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप सब लोग यहाँ से हट जाइए, हटिए यहाँ से, वरना मैं कहीं और से कूद जाऊंगी। हटिए, नहीं हटिए आप लोग। भाभी जी बेटा क्या हुआ? संध्या तुम तो जीना नहीं चाहती ना, फिर रुकी क्यों? कूदो, पगला गई का? हम कह रहे हैं कूदो संध्या। देखो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हम में से कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। संध्या जी क्या हो गया इसको? अरे हम क्या बताएं? Come on, jump। मैं सच कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। एक मिनट, सुमन क्या है ये सब बेटा? क्या है? संध्या बालकनी से यहां तक हाइट थोड़ी कम है, अगर गिरोगी तो शायद मरोगी नहीं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए कांच बिछा दिया है, अब गिरोगी तो पक्का मर जाओगी। सुमन दीदी, सुमन क्या बोल रही हो, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया संध्या, हिम्मत नहीं हो रही? ठीक, हम आते हैं तुम्हारी मदद करने। सुमनिया अरे पगला गई, अरे काम कर रही है, फटके समझाओ इसको। दीदी मेरे पास मत आना, वरना मैं अभी के अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। हम तुम्हें हिम्मत देने ही तो आए हैं संध्या, कूद जाओ। तुम तो चाहती ही है यो कि मैं मर जाऊं और अंशुमन जी तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे इस इरादे को सच नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अंशुमन जी तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी, कभी नहीं। उसके लिए चाहे मुझे पल पल क्यों ना मरना पड़े, लेकिन मैं अपने अंशुमन जी को तुमसे बचा कर ही रहूंगी, देख लेना।
चलो संध्या। नंदन इसे कमरे में ले जाओ, डर के मारे बेहोश हो गई। हाँ। सुमन तुम्हें चोट लगी है? हम ठीक है। सुमन तुम्हारे रहने का इंतजाम हम गेस्ट रूम में करा रहे हैं, ठीक है? आरती तुम्हारा कमरा सेट करने गई। तुम यहां अंजुमन के पास रुको, हम तुम्हारा कमरा देखते आते हैं। सारे एक चिट में मेरे दिल के जज्बात लिखे हैं, या फिर यूं कह लो कि इन चिट्स ने मेरी जुबान का रूप ले लिया है। दिल थोड़ा सुन, मैं नफरत करता हूं तुमसे, नफरत करता हूं। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा सुन, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। काश हम पूरा सच आपको बता पाते अंशुमन जी, बता पाते कि क्या थी हमारी मजबूरी। हमें 100 बार पढ़ना मंजूर है, लेकिन आपको धोखा देना नहीं। हमने आपको कभी धोखा नहीं दिया अंशुमन जी, कभी नहीं।